दोस्तों, चीजों में मिलावट होना यह तो काफी आम बात हो चुकी है दोस्तों। लेकिन यह मिलावट दोस्तों अभी तक तो दूसरी चीजों के लिए ही सीमित थी, लेकिन अब यह मिलावट आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद है हमारी उसमें भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे और यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे कि इस खाद में मिलावट है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे खाद का इस्तेमाल किया जाता है वह होता है यूरिया। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है और यह यूरिया अच्छा खासा महंगा भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसमें मिलावट करके इसे 2-4 पैसे कमाने के लिए इस खाद में मिलावट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि इस खाद में मिलावट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा यूरिया। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पे यूरिया एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है। तो इस यूरिया को लेने के बाद आपको क्या करना है, पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे दोस्तों जो काफ़ी सिंपल है। आपको बस हथेली पे थोड़ा सा ही पानी लेना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको पानी को लेने के बाद आपको 2 मिनट तक वेट करना है, क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच कर जाए। उसके बाद 2 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा यूरिया लेना है यहाँ पर, और आपने जो हाथों में चुल्लू भर पानी लिया था उस पानी में इस यूरिया के 2-4 दाने है वह डाल देने हैं। काफ़ी सिंपल था दोस्तों, कोई भी आसानी से कर सकता है। यहाँ पे इस पानी में दोस्तों जैसे ही आप ये 2-4 दाने यहाँ पे यूरिया के डाल दोगे तो आपको हाथों पर ठंडापन महसूस होगा, शीतलता महसूस होगी। तो यूरिया की यह थी दोस्तों पहली टेस्ट। यदि आपके हाथों के ऊपर यहाँ पर आपको ठंडापन महसूस होता है तो आप यह आसानी से मान सकते हैं कि इस यूरिया में कोई भी मिलावट है नहीं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे बारी है दूसरे एक्सपेरिमेंट की, जो भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों। आपको लेना है एक पैन या जिसे आप तवा भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों ले लिया है यहाँ पे पबजी वाला पैन, लेकिन आपके पास सिंपल जो भी पैन है उससे भी आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। आपको यह पैन लेके आपको यहाँ पे बर्नर पर रख के इसे गर्म करना है। यहाँ पे आप पानी डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले अच्छी तरीके से हम इस बर्नर के ज़रिए इस पैन को गर्म करेंगे, और उसके बाद अभी यहाँ पे मेन एक्सपेरिमेंट शुरू करने की बारी आती है। जैसे ही यह पैन यहाँ पे गर्म हो जाता है तो आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे यूरिया लेना है। हमारे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा था तो हमने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करके देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक कप भर के यहाँ पे यूरिया लिया है और इस गर्म पैन के ऊपर यह यूरिया हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही आप इस पैन के ऊपर यह यूरिया डाल देते हैं उसी समय तुरंत यहाँ पे पैन से धुआं निकलता आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ हल्के से बुलबुले भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यह जो यूरिया है वह घुलने लगता है, क्योंकि पैन गर्म है दोस्तों, इसी कारण यह तो घुलना शुरू होना ही था इसको। लेकिन इसमें मिलावट है या नहीं, यह किस तरीके से चेक करना है आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे पैन के ऊपर जो हमने यूरिया डाला था वह धीरे धीरे यहाँ पे घुलना शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे दोस्तों बुलबुले भी निकल रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूरिया डाला था वह लगभग लगभग पूरा का पूरा यहाँ पे घुल चुका है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूरिया था दोस्तों, और इस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छी तरीके से करना चाहते थे, इसलिए हमने और थोड़ा यहाँ पे यूरिया मिलाने की सोच ली। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे पूरा का पूरा यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा जो यूरिया है दोस्तों यहाँ पे पानी बन चुका है। और साथ ही साथ और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, जो आपको मैं दिखा नहीं सकता, जैसे आप इसको गर्म करते हो तो यहाँ पे आपको स्मेल आएगी। तो यह स्मेल दोस्तों कुछ कुछ अमोनिया से मेल खाती है, तो ऐसे ही स्मेल आपको भी यहाँ पे आएगी जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं। हमारे पास और भी यूरिया यहाँ पे बचा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे और थोड़ा अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए और थोड़ा यूरिया इसमें मिलाया जाए। तो हमने और एक यहाँ पे कप यूरिया इसमें मिक्स कर दिया, और जैसे ही इसको मिक्स कर दिया तो यह भी घुलने यहाँ पे शुरू हो गया। पहला यूरिया ऑलरेडी गर्म था तो इसलिए यह काफ़ी जल्दी यहाँ पे घुल गया है, और इस समय हमारा यहाँ पे जो बर्नर है वह भी ऑन है दोस्तों, हमारा गैस यहाँ पे हमने ऑन रखा है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी यूरिया हमने इसमें मिलाया था वह पूरा का पूरा यहाँ पे इसमें घुल चुका है। लेकिन इस समय दोस्तों और एक चीज़ होती है, वह यह है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने यहाँ पे यूरिया लिया था, तो इसी के कारण यह जो पूरा का पूरा हमारा किचन था वह पूरा का पूरा धुएं से यहाँ पे भर गया था। और इसके साथ ही साथ केमिकल की अजीब यहाँ पे गंध आ रही थी जो अमोनिया की जैसे ही मुझे यहाँ पे महसूस हुई थी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूरिया यहाँ पे घुल चुका है दोस्तों, और साथ ही साथ काफ़ी धुआं यहाँ पे इस रूम में यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, यह पूरा का पूरा यूरिया यहाँ पे यह घुल चुका है। और इसको हम यहाँ पे अब लेते हैं, एक ग्लास में यहाँ पे जमा करते हैं, क्योंकि यह यूरिया पूरा घुल चुका है तो इसमें कुछ भी शेष यहाँ पे बचा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा यूरिया तरल पानी में यहाँ पे बदल गया है, लेकिन इसका जो कलर है वह हल्का सा येलो कलर का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ हम बाकी भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि हमारा जो पूरा ये किचन था वो पूरा का पूरा धुआं से यहाँ पे भर गया था। तो इसलिए ये एडवाइस है दोस्तों, जब भी आप ये ट्राई करें तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्राई करें यहाँ पे, ताकि आपके घर में ज़्यादा धुआं ना हो। तो यहाँ पे जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा का पूरा यूरिया इसमें घुल चुका है दोस्तों, और देखेंगे कि ये पानी का कलर है दोस्तों, तो आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। यह है सिंपल सा लेफ्ट में रखा हुआ पानी, और राइट साइड में यह पूरा का पूरा यूरिया जो यहाँ पे घुल चुका है। तो यह है एक्सपेरिमेंट सेकंड था दोस्तों, जिसके ज़रिए यदि आपका यूरिया यहाँ पे पूरा का पूरा पानी जैसा घुल जाता है, भले ही उसका कलर यहाँ पे अलग दिखाई दे दोस्तों, लेकिन यह पानी की तरह घुल जाता है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कामयाब है दोस्तों। और इससे हमें यह पता चलता है कि आपके यूरिया में कोई भी यहाँ पे मिलावट है नहीं, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। यदि इसमें और बाकी की जो चीज़ें आपको यदि दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मिलावट ज़रूर है, लेकिन इसमें आप सामने ही देख पा रहे हैं सिर्फ यह तरल पानी है दोस्तों येलो कलर का। तो इससे आसानी से यह समझ आता है दोस्तों कि इस यूरिया में बाकी किसी भी चीज़ों का मिलावट यहाँ पे किया नहीं गया है। बस दोस्तों ये दोनों सिंपल से एक्सपेरिमेंट थे जो आप आसानी से घर बैठे ही ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।